लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू का ये बीट वन सॉल्व कर लिए, अभी हम लोग इसका बीट टू का बीट टू क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। तो बीट टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, 5 साल पहले इन दोनों का एज क्वेश्चन ने दिया है और 10 साल के बाद ये दोनों का एज क्वेश्चन ने दिया है, ये दोनों को लेके हमें निकालना है नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज क्या था, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ये नूरी और सोनू दो जने हैं जिनका हमें प्रेजेंट एज निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से दो लीनियर इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग हमें पता नहीं है नूरी और सोनू का एज हमें पता नहीं है, तो चलिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैं बोला, जैसे कि हमें पता है कि हमें दोनों का एज पता नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हम लोग एज्यूम कर लिए नूरी का एज अभी एक्स ईयर्स है, प्रेजेंट एज अभी का एज। सिमिलरली हम लोग यहां पे भी एज्यूम कर लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। सोनू का एज भी हमें पता नहीं है इसलिए हम लोग एज्यूम कर लिए। तो गाइज ये एज्यूम करने के बाद हमें दो लिनियर इक्वेशन मिलेगा, कैसे, एक 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या है क्वेश्चन ने हमें दिया है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो 5 साल की में क्या था ये लेके हम लोग एक लिनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और 10 years later में 10-10 साल के बाद क्या हुआ था एज दोनों का वो लेके और एक लिनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बिफोर 5 years, 5 साल पहले फर्स्ट सिचुएशन आ जाएगा बिफोर 5 years, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया बिफोर 5 years। तो 5 साल पहले क्या था क्वेश्चन को देखते हैं, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, बस इतना ही दिया है। मान लो हमें पता नहीं है, मान लो सोनू का एज 5 साल पहले, सोनू का एज 5 साल पहले 7 years था, हमें पता नहीं है, जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं, मानो सोनू का एज 5 साल पहले 7 years था, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का एज क्या होगा 3 times द एज ऑफ सोनू हो जाएगा, दैट मीन्स 7 into 3 दैट इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। ओके, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो मैंने क्या क्या है यहाँ पे 3 into 7 थ्राइस, सोनू का एज अगर 7 साल है तो नूरी का एज 3 into 7 हो जाएगा। इसको आगे रख के, ये जस्ट एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, इसको सामने रख के हम लोग ये इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे, 5 साल पहले 5 years बिफोर क्या होगा, पहले हम लोग देख लेते हैं 5 years before नूरी का एज क्या रहेगा, नूरिस एज पहले ये देखिए आप, अगर किसी का एज अभी 10 साल है, 5 साल पहले अभी का एज अगर 10 साल किसी का है तो 5 साल पहले उसका एज क्या होगा 10-5 हो जाएगा, 5 साल ही होगा। किसी का एज अगर अभी 8 इयर्स है तो 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, तो 8-5 दैट इज 3 years, ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही हमें यहाँ पर लिखना है। नूरी का एज क्या है एक्स ईयर से, तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या हुआ होगा x-5 years। गाइस यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 5 साल पहले नूरी का एज क्या होगा x-5 years हो जाएगा, 5 साल पहले सोनू का एज क्या हुआ होगा सोनू एज इज इक्वल टू y-5। जैसे कि किसी का एज अगर अभी 8 साल है तो 5 साल पहले उसका एज हो जाएगा 3 साल, कैसे ना 8-5, तो ठीक उसी तरह से हम लोग इसको x-5 into y-5 कर लिए। और फिर अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमें बोला था कि 5 साल पहले, 5 साल पहले क्वेश्चन बोला था नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, और मैंने आपको एग्जाम्पल पे भी ये दिखाया था नूरी इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का जो एज है नूरी का एज 3 गुना है सोनू के एज के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, अगर आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखेंगे
मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर नोट करके ये स्क्वायर के अंदर रखा हूँ, सोनू का एज अगर 7 साल है तो नूरी का एज क्या होगा, 3 गुना हुआ होगा, 3 × 7 हो गया। तो मैं इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी को हम लोग अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नूरी का एज, नूरी इज इक्वल टू, नूरी का एज क्या होगा, नहीं तो नूरी का एज हमें पता है क्या है, एक्स माइनस फाइव, हमें पता है एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू नूरी इज 3 times एज ओल्ड एज सोनू, 3 × y − 5, 3 गुना बड़ा है नूरी। तो ये हो गया x माइनस फाइव इज इक्वल टू 3 × y − 5। होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसमें से हमें लीनियर इक्वेशन निकालना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करके तो क्या मिलेगा, x और x माइनस फाइव इज इक्वल टू 3y − 15, 3y − 15, और x माइनस 3y इज इक्वल टू −15 + 5 हो गया, क्या मिला x माइनस 3y। इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये लिनियर इक्वेशन नंबर 1 भी मिल जाएगा, x माइनस 3y। सो गाइस कैसे हुआ, ये माइनस 5 था जो मैं इसको राइट साइड जब मूव करते ये प्लस 5 हो गया, और ये 3y जो प्लस 3y था उसको जब हम लोग लेफ्ट साइड को मूव करते ये माइनस 3y हो गया। तो इसी तरह से हमें मिला x माइनस 3y इज इक्वल टू −15 + 5, और x माइनस 3y इज इक्वल टू −10। हमें ये अभी लीनियर इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है गाइज, हमें 5 साल पहले का केस लेके हम लोग लीनियर इक्वेशन 1 हमें मिल गया। अभी आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद क्या हुआ था, आफ्टर 10 years ये अभी देखेंगे, 10 years। फिर से क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर 10 years क्या हुआ होगा, नूरिस एज था, प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स है, तो नूरी का प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, सोनू का प्रेजेंट ईयर वाई ईयर्स है, तो 10 साल के बाद क्या क्या एज हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नूरिस एज, पहले इसको लिख लेते हैं, नूरिस एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा 10 साल के बाद, क्योंकि अभी का एज एक्स ईयर्स है, किसी का अभी का एज अगर 7 ईयर्स है 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, 17 ईयर्स हो जाएगा, कैसे 7 + 10 हम लोग कर लेते हैं, तो इसी तरह नूरिस का एज मिल गया एक्स प्लस 10, सोनूस एज इज इक्वल टू वाई प्लस 10 ईयर्स, क्योंकि सोनू का प्रेजेंट एज हम लोग वाई ईयर्स लिए थे, तो इसलिए हम लोग लिख लिए सोनूस एज इज इक्वल टू वाई प्लस 10 ईयर्स। तो चलिए फिर से क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या था, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो फिर क्या होगा, नूरी का प्रेजेंट 10 साल के बाद नूरी का एज हुआ होगा एक्स प्लस 10, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का एज जो है उसमें ओनली 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 साल के बाद, तो ये दोनों का एज इक्वल हो जाएगा, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2 × y + 10 हो जाएगा, क्योंकि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। फिर इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y + 20, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 − 10, कैसे हुआ, ये 2y जो प्लस 2y था जब लेफ्ट साइड को मूव हो गया ये −2y हो गया, और ये प्लस 10 है ये जब राइट साइड को मूव हो गया ये −10 हो गया, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, 2 लीनियर इक्वेशन हमें मिल चुका है यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू −10, और लीनियर इक्वेशन 2 हमें मिला x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो चलिए इसको लेके हम लोग एलिमिनेशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करके हम लोग x एंड y का वैल्यू निकालते हैं। अभी एलिमिनेशन मेथड में स्टेप 1 हम लोग फॉलो करेंगे, स्टेप 1 में जनरली क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का
कौन सा भी टर्म हमें एलिमिनेट करना है उसको इक्वल पहले करते हैं मल्टीप्लाई करके। मगर यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, अगर हम लोग एक्स को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो दोनों में एक्स ही एक्स है, तो किसी किसी को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वन एक्स दोनों में है। तो अगर आप दो इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन नंबर टू बड़ा है, क्यों बड़ा है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन, ये प्लस टेन है, और इक्वेशन नंबर वन माइनस टेन है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर टू बड़ा है। तो जो छोटा इक्वेशन है माइनस वन, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन टू से, बड़े इक्वेशन से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डायरेक्टली हम लोग स्टेप वन पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन। मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ताकि इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू। हम लोग इक्वेशन वन को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन टू से, ताकि इक्वेशन वन छोटा इक्वेशन है, इक्वेशन टू बड़ा इक्वेशन है। तो इक्वेशन वन छोटा इक्वेशन क्यों है, अगर आप लोग इक्वेशन वन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इक्वेशन वन में क्या है। इक्वेशन वन क्या था, हमें क्या मिला था, एक्स एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन, एक्स माइनस थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन था। हम लोग इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग पहले इक्वेशन टू को लिख लेंगे, क्योंकि इक्वेशन टू बड़ा इक्वेशन है, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू टेन, और एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। एक बार मैं चेक कर लेता हूं ताकि मैं सही लिखा हूं, नहीं तो गलत करेंगे तो आंसर भी गलत हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन। सो गाइज, मैं बड़ा इक्वेशन को पहले लिखता हूँ, छोटा इक्वेशन को बाद में लिख के, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एक्स है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस थ्री वाई है तो ये प्लस थ्री वाई हो गया, यहाँ पर माइनस टेन है तो ये प्लस टेन हो गया। और गाइज ये देखिए, ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, ये एलिमिनेट हो गया, और यहाँ पर है प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई, तो ये ओनली वाई हो गया, वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पर 10 प्लस 10 20 हो गया। तो गाइज हमें y का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ पे y का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग अभी स्टेप टू के तरफ बढ़ेंगे, ताकि हमें x का वैल्यू मिल सके। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द एवोव वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द एवोव वैल्यू अब y इन इक्वेशन वन, हम लोग इक्वेशन वन पे डाल देंगे ये y का वैल्यू, किसी में आप लोग डाल सकते हैं, इक्वेशन टू पे भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इक्वेशन वन पे डाल देता हूँ। पुटिंग द एवोव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन, तो हम लोग ऊपर जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन में ये y का वैल्यू डाल देंगे। इक्वेशन वन क्या था, यही है हम लोग का इक्वेशन वन। अगर आप लोग वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा बैक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यही था इक्वेशन वन, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टेन था, और हमें वाई का वैल्यू क्या मिला, 20 मिला है। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा ए, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस थ्री वाई, मैं यहाँ पर जो माइनस थ्री वाई था उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये हो गया माइनस टेन प्लस थ्री वाई हो गया। नहीं तो हम लोग मूव करने से पहले, चलिए एक्स वाई का वैल्यू पहले रिप्लेस कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा x माइनस थ्री इंटू 20, क्योंकि y का वैल्यू 20 है, तो y के जगह पे मैं 20 डाल दिया, इज इक्वल टू माइनस टेन, और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, और x इज इक्वल और x माइनस और एक स्टेप कर लेते हैं, x माइनस 60, थ्री 20 था 60 इज इक्वल टू माइनस टेन। तो मैं ये स्टेप में क्या कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन प्लस 60 कर रहा हूँ। यहाँ पर माइनस 60 जो था उसको मैं जब राइट साइड को मूव किया, ये प्लस 60 हो गया, और एक्स इज इक्वल टू 50 हो गया गाइस, ये एक्स इज इक्वल टू 50, तो हमें मिल गया एक्स इज इक्वल टू 50, वाई इज इक्वल टू 20। तो हमें अभी कंक्लूडिंग आंसर लिखना है। कंक्लूडिंग आंसर क्या लिखेंगे, हमें क्वेश्चन बोला था हमें
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हम लोग एज्यूम किए थे, एज्यूम हम लोग क्या किए थे, लेट द प्रेजेंट एज, हम लोग एज्यूम किए थे कि द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर्स बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। अभी एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पर 50 मिल गया, तो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर विच इज नथिंग बट 50 ईयर्स, तो हमें नूरी का एज 50 ईयर्स मिला। सिमिलरली द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स हम लोग एज्यूम किए थे, इज इक्वल टू वाई ईयर्स हम लोग एज्यूम किए थे, और वाई का वैल्यू हमें क्या मिला है, 20 मिला है, तो इसलिए ये हो जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। अगर आप लोग ऊपर जाके देखेंगे तो वाई का वैल्यू हमें 20 मिला है, तो इसलिए हम लोगों का सोनू का एज 20 हो गया। गाइज कुछ इसी तरह से आप लोगों को कंक्लूडिंग आंसर लिख के ये सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड बीट हो गया। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।